बट ऑन 8वीं क्लास का अध्याय 8 दी अभ्यास 8.3 दा सातवां सवाल शुरू करन जा रहे हैं बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत ही सौखे ढंग ने तुहानू सिखाई गई है। तुसी मेरे पिछले क्वेश्चंस दी वीडियोस देख ली होगी। हुण इस क्वेश्चन च किया जा रहा है कि मारिया ने किसी व्यापार विच 8000 रुपए का निवेश किया है, मतलब मूलधन तुहाडे कोल प्रिंसिपल 8000 हो चुका है, 5% सालाना दर इहदा मतलब रेट ऑफ इंट्रस्ट आर भी तुहानू मिल चुकी है, ते निश्चित ब्याज का भुगतान किया जाएगा। जेकर ब्याज सालाना जुड़ता होवे, हुण ब्याज सालाना जुड़ रहा है बेटा, तो 2 साल के अंत में कितनी राशि होगी, इहदा मतलब समा 2 साल हो गया। देखो मैं प्रिंसिपल लिख लिया है, रेट ऑफ इंट्रस्ट 5% सालाना, तो समा 2 साल। सालाना असी ईयर पर एनम तो ईयर लिखा इंग्लिश वाले बच्चे, इस तरीके असी पर एनम लिख दें, तो इतने असी ईयर पा दें। ठीक है बेटा, अमाउंट का फॉर्मला तुम चंगी तरह याद करवा चुका है। मैं पी की थां 8000, आर की थां 5, तो समा 2 भर के 5 नाल 100 कट के 1/20, तो तुम सारों पता ही है कि जो इतना 1/20 आता तो 20 * 1 = 20 जमा 1/20 बन जाता है, जो कि 21/20 सीगा, घात 2 होने करके 2 बारी लिखा गया। इन्ने क्वेश्चन असं कर लेने कि तुम हम चंगी तरह समझ आ गया है कि किस तरीके असं सवाल कैलकुलेशन करना होंगे है। हुण तुसीं ध्यान देखोगे बेटा कि साढ़े को 0 ते 0 2 0 कटिया गई, इस 2 दे नाल जे असीं 80 नूं कटांगे तो सानूं 40 मिलेगा, तो इस 2 दे नाल जे 40 नूं कटांगे तो सानूं 20 मिलेगा, तो साढ़े कोल बच गया है 20 * 21 * 21। तो हुण असीं सब तो पहला 21 नूं 21 नाल गुणा करांगे। ध्यान नाल देखना सारा ने, जे असीं 21 नूं 21 नाल गुणा करिए तो साढ़े कोल आंदा है 441, तो असीं इत्थे की लिखांगे 441। हुण 441 नूं असीं कितना गुणा करांगे 20 नाल, साढ़े कोल आ गया 8820 रुपए बेटा। इस तरह साढ़े कोल आंसर कितना आ गया है 8820, कुल राशि असीं प्राप्त कर ली है 2 साल बाद, जो कि सानूं पूछा गया सीगा। फिर वो कहिंदा है अगले भाग दे विच कि तीजे साल का ब्याज, हुण तीजे साल का ब्याज तुहानूं मैं समझाया कि इस मिश्रित ब्याज का की मतलब सीगा। मिश्रित ब्याज दे विच जे असीं तीजे साल का ब्याज पता करना है तो साढ़े कोल मूलधन चेंज हो जाएगा, किहड़ा होएगा जिहड़ा तुहाडे कोल 2 साल के अंत दे विच राशि सीगी उह तीजे साल की मूलधन बन जाती है। हुण 2 साल के अंत की राशि तो तुसीं हुणे हुणे पता कीती बेटा किहड़ी 8820, इहदा मतलब हुण तुहाडे कोल जिहड़ा मूलधन है तीजे साल लई, हुण तीजे साल लिए बेटा मूलधन असीं लिख लिया 8820 होगा, प्रिंसिपल लिख लिया, रेट ऑफ इंट्रस्ट तो ही रहेगी, समा हुण 1 साल है क्योंकि तीजा साल है बेटे। तो अमाउंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते सके, बट मैं तुम दस्या सीगा कि 1 साल वास्ते चाहे तुसी मिश्रित ब्याज राही पैसा कढ़ो चाहे तुसी साधारण ब्याज, आंसर सेम आता है, इस करके 1 साल एक है, इस करके मैं इतने साधारण ब्याज लगाने की कोशिश की ताकि तुहाडा क्वेश्चन थोड़ा और सौखा हो सके। हुण जेकर असी अमाउंट वाला फॉर्मला लगाते तो बेटा जो आंसर आना सीधे आंसर के सू प्रिंसिपल घटा के इंट्रस्ट मिलता है, लेकिन साधारण ब्याज वाले से सीधा ही इंट्रस्ट मिलता है, तो सूँ इंट्रस्ट ही पूछा गया है, ब्याज पूछा गया, इस करके मैं सीधा ही साधारण ब्याज का फॉर्मला लगाया है। पी 8820, आर 5 है, समा 1/100, 0 0 कट्टी, 882 5 गुणा किया 44 10 आया, 10 थले भी लिखा सीगा, 0 0 कट्टे गए, तो तुहाडा ब्याज आ गया है 441 रुपए, जो कि इस सवाल का आंसर सीगा। उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानूं सत्तवां सवाल बहुत ही वधिया तरीके नाल समझ आया होगा। हुण आपां 8वां सवाल करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखियो। 8वें सवाल सानूं कहा जा रहा है कि 10000 रुपए ते 1.5 साल के लिए 10% सालाना दर नाल मिश्रित ब्याज दे कुल राशि पता करो जदों ब्याज 6 माह जुड़ता है, कि यह ब्याज उस ब्याज तो ज़्यादा होगा जिस सालाना जुड़ेगा। इहदा मतलब हुण इस सवाल दे विच पहला ब्याज 6 माह जुड़ता है, उस तो बाद ब्याज सालाना जुड़ता है, 2 बारी करना पड़ेगा। मैं देखो जो ब्याज 6 माह जुड़ता इतने वक्रा किया, तो जो ब्याज सालाना जुड़ता इतने वक्रा किया है। प्रिंसिपल 10000 सीगा, रेट 10% सीगी, तो समा 1.5 साल का सीगा। हुण देखो जो ब्याज 6 माह जुड़ता है तो तुहानूं मैं दस्या सीगा कि प्रिंसिपल दे विच कोई फर्क नहीं आता, दर अद्धी हो जाती है 5%, तो समा 2 नाल गुणा होंदा है। समा नूं पहले मिश्रित रूप दे विच हटाया, 3 * 2 = 2 दे जोड़िया 3/2 बन गया ना, मिश्रित रूप तोड़ना आता सारा नूं, 3/2 नूं 2 नाल गुणा किया तो 2 2 कट्टे गए, तो 3 6 माही तुहाडे कोल आ गया है। अमाउंट का फॉर्मूला तुहानूं सारा नूं चंगी तरह याद है, तो उहदे विच पी नूं 10000, आर नूं 5, तो समे नूं 3 भर के मैं इत्थे दा क्वेश्चन नूं सॉल्व किया है। तुसीं देख सकते हो 100 * 100 = 5 105/100, 3 बार लिख लिया है, जिहदे नाल की फायदा होएगा 4 0 * 4 0 साड़ियाँ कटिया गई ने। हुण असीं इन्हां नूं गुणा करके 2 दे पिछे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, हुण मैं गुणा करन जा रहा, ध्यान देखना सारा ने। इस तरह बड़ा देखो असीं 105 नूं गुणा 105 नाल, फिर जो आंसर आया उहनूं 105 नाल गुणा किया, तो साढ़े कोल रकम आई, 2 दे पिछे पॉइंट लगा के साडा आंसर आ गया
11,576.25। हुण व्याज कितना पता करते हैं, कुल राशि के असल राशि को घटा के साडे कोल व्याज आ चुका है। उन्होंने पूछा कि ये जो व्याज है कि यह व्याज वध होगा जदों व्याज सालाना जुड़ेगा, तो मैं हूँ दोबारा क्वेश्चन शुरू किया, देखो ध्यान, व्याज जदों सालाना जुड़ता है, जो व्याज सालाना जुड़ता है तो प्रिंसीपल तो उही रहेगा, दर भी उही रहेगी, लेकिन समा मिश्रित रूप के होने करके तुम दसाया कि पूरे पूरे साल लिए वक्रा तो अद्धे साल लिए वक्रा करांगे। फार्मूला तुम्हें याद है 1/8/100, तो जे इतने 1/2 है तो थले 200 आएगा, 3 है तो 300, 4 है तो 400। और इतने पी भर लिया, आर की थान 10 भरया है, 10 भरया है, 0 कट्टी गई नहीं, 1/10, 1/20। तीन इस तो बाद तुम्हें पता ही है 10 × 10, 10 उपर चल जाता है, 20 उपर चले जाता है, साढ़े को आ गया है 11/10, 21/20। जे हम असं इसको हल करांगे तो तुम देख सकते हो 0 × 0, 0 कट्टी गई ने, 2 × 100 कट्टांगे तो 50 आएगा, तो तुहाडे कोल हुण रकम का आंसर आ गया है 50 × 11 × 21। इसमें असं गुणा करांगे, साढ़े कोल हुण आंसर आ गया 11,550। तो असी कंपाउंड इंटरस्ट कढ़ने लिए असल राशि को घटाया तो साढ़े को कितना इंटरस्ट आ गया, कितना ब्याज आ गया 1550, पहला सीगा 1576, मतलब जो छिमाही सीगा तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा। इसी लिख लिया है कि हाँ जो ब्याज छिमाही जुड़ेगा तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा। वैन इंटरस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली दैन अमाउंट ऑफ इंटरस्ट वॉर मैक्सीमम। इस तरह साढ़ा 8वां सवाल भी बेटा कंप्लीट हो गया है। हम आप 9वां सवाल करने जा रहे हैं, ध्यान देखियो। 9वें सवाल से कह रहा है कि जयराम ने इन्ने रुपये 18 महीने के लिए इन्नी सालाना दर से उधार ले है, जे व्याज छिमाही जुड़ता हो राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। हूँ प्रिंसिपल दिता गया है दर 12/1/2, जिन्हों असी खोल के 12 × 24 तक 25/2 लिख लिया है, महीने जो सू कोई समा महीनों में दिता जाता है तो 12 ना भाग करके असं उसको साल के कन्वर्ट करते हैं, लेकिन सूँ व्याज छिमाही जुड़ता क्या गया है। वैन इंटरस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, तुम्हें मैं दसिया जो भी इंटरस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हूँ है उदों असी प्रिंसिपल नूं तां कोई चेंज नहीं करदे, लेकिन दर अद्धी हो जाती है। याद रखना है जड़े 25/2 दा अद्धा 25/4 हो गया, समा 2 नाल गुणा करके 18 × 36, 36 नूं 12 नाल भाग किया 3 छिमाही आ गया। असीं अपना फार्मूला अपलाई कर लिया है। हुण जदों फार्मूला अपलाई किया तो तुसीं पी दी थां अपना 4,096 रुपये 1/r, हुण 25/4 सीगा तां 25 उपर लिखांगे ते 4 थले 100 नाल गुणा हो जाएगा, तो अपनी छिमाही 3 आ चुकिया ने। 25 दे भाड़े ते 416 ते आंदा है, क्योंकि 25/8 = 200 ते 25/16 = 400 हुंदा होवेगा, तो 16 × 16 = 1/16 आ गया है, जिहड़ा कि 17/16 बन चुका है। हुण असीं किस तरीके नाल सवाल नूं कटिंग करांगे, ध्यान नाल देखियो। तुसीं याद रखना बेटा कि 16 × 16 × 16 4,096 ही हुंदा है, सीधा ही कट देना है। तुहाडे कोल आंसर आ गया है कुल राशि 17 × 17 × 17, जो गुणा करके कितना बनता है 4913 रुपये। तो ये तुसी कुल राशि प्राप्त कर ली है, जो कि तुसी पता करना सीगा, ये तुहाडे इस सवाल का आंसर है। इस तरह साडा 9वां सवाल भी बेटा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानू तिने सवाल वधिया तरीके नाल समझ आए होणगे। जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी होवे, तुहानू मेरा पढ़ाया समझ आ रहा होवे, तो जरूर उसनू लाइक करो, जरूर कमेंट करते रहा करो, तो मेरे चैनल नू बेटा सबसक्राइब करना ना भुल्यो, तां जो मेरी आने वाली वीडियोज़ का तुहानू पता लग सके।